अगर शोहर मेरा नहीं है ना तो घर भी मेरा नहीं है, हटो। दानियाल भाई, क्या दानियाल भाई, क्या हुआ है दानियाल भाई? अम्मी नाश्ता करें, मैं फरिया को लेके आ रही हूँ। अरे फरिया, सुबह सुबह ये झगड़ा क्यों शुरू कर दिया तूने? आप नहीं जानती यहाँ पे उसने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात की आज। अच्छा मैं फैसल को कहती हूँ, वो इसकी अच्छे से खबर लेते हैं। इस तरह तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करेंगे। क्या हुआ फरिया, तुम इतने गुस्से में क्यों? और दानियाल भाई भी सुबह सुबह चले गए तेजी में कहीं? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ? अरे मान बीबी, तुम तो जाओ यहाँ से, मैं खुद ही देख लूंगी, समझी? लेकिन भाभी। अरे मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, सर मत खाओ। कुछ भी ठीक नहीं, उसने जिस तरह मुझसे बात की है ना, उसके बाद मेरा इस घर में रहना बनता नहीं है। इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं। देखो फरिया, तुम यहां से नहीं जा सकती हो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अच्छा देखो देखो, अगर दानियाल भाई ने कोई बदतमीजी की है तुमसे, तो मैं उनकी तरफ से तुमसे माजरत करती हूँ, ठीक है? बल्कि मैं उनको समझाऊंगी, वो आएंगे और तुमसे खुद माफी मांगेंगे। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं कितनी बड़ी फसादन हो तुम। एक की 10 लगाओगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं घर जा रही हूँ अम्मी के साथ। नहीं फरिया, मेरी बात सुनो, नहीं जा सकते, यही तुम्हारा घर है अब। अगर शोहर मेरा नहीं है ना तो घर भी मेरा नहीं है, हटो। अरे ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो ना? धक्का दे दिया तूने उसे। खाला, अरे खाला, खाला ईमान बेहोश हो गई। खाला किधर है आप, जल्दी से आए। ईमान, If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.